बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू क्लास, होप सो यू आर ऑल फाइन। इट्स योर एसएसटी क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लेसन 14, वेदर। व्हाट इज वेदर? इट्स मींस द डे टू डे कंडीशंस ऑफ हीट एंड कोल्ड, ड्राइनेस और रेन इन एनी प्लेस। दिन भर में मौसम की जो चेंजिंग्स होंगी उसे हम क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सुबह के टाइम उठते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या होती है? सर्दी होती है। जैसे ही दिन गुजरता है, सूरज निकलता है, गर्मी होने लग जाती है, कभी बारिश भी होती है। ये क्या है? ये दिन भर में मौसम की में चेंजिंग होती रहती हैं, जो शॉर्ट टाइम के लिए। जो शॉर्ट टाइम के लिए मौसम में चेंजिंग होंगी वो क्या कहलाएंगी? वेदर कहलाएंगी। व्हाट इज़ द वेदर लाइक टूडे? आज कैसा वेदर है? इज़ इट सनी? क्या सूरज निकला हुआ है? और इज़ इट रेनिंग? क्या बारिश हो रही है? इज़ इट ब्राइट आउटसाइड? क्या बाहर बहुत ज़्यादा रोशनी है? और इज़ इट क्लाउडी एंड डार्क? क्या बादल हुए हैं और बहुत ज़्यादा अंधेरा है? द वेदर चेंजिंग्स ऑल द टाइम। वेदर में जो है वो ऑल द टाइम चेंजिंग्स होती रहती हैं। कभी सर्दी हो जाती है, कभी गर्मी होती है, कभी बारिश होने लग जाती है। व्हेन द क्लाउड्स आर डार्क, जब बादल बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड इट रेन्स अलॉट, तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है। देयर इज़ अ सम टाइम्स लाइटिंग एंड थंडर, बाज़ औक़ात क्या होते हैं? बादल जो हैं वो गरजने लग जाते हैं। सम टाइम्स वी सी अ रेनबो व्हेन द सन कम्स आउट ड्यूरिंग आ रेन शावर्स। क्या होते हैं? बाज़ औक़ात आसमान पर रेनबो निकलती है जब बारिश ख़त्म हो जाती है। अब लुक एट दिस पिक्चर्स, ये देखिए रेनबो निकली है। कब निकली है? जब बारिश ख़त्म हो जाती है, सूरज निकलता है, तब रेनबो निकलती है। रेनबो इज़ अ ब्यूटीफुल, रेनबो जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। हेयर आर आर सम वर्ड्स यू कैन यूज़ व्हेन यू टॉक अबाउट द वेदर, जब हम वेदर के बारे में बात कर रहे होते हैं तो कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं। स्नो, क्लाउड्स, विंड एंड सनशाइन। स्नो मीन बर्फ़ का होना, क्लाउड्स मीन बादल का होना, विंड हवा का चलना, एंड सनशाइन सूरज का निकलना। लुक एट दिस पिक्चर्स, अब यहाँ पे देखिए बारिश हो रही है, सनशाइन सूरज चमक रहा है, फिर बादल हुए हुए हैं और रेनबो निकली हुई है। अब सीज़न क्या है? सीज़न जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। सर्दियां जो होती हैं वो 4 मंथ भी होती हैं, 5 मंथ भी होती हैं। इसी तरह से समर सीज़न जो है वो भी 4 मंथ होता है, 5 मंथ होता है। ये क्या है? ये लॉन्ग टाइम के लिए है। वेदर वो होता है जो शॉर्ट टाइम के लिए हो, जो दिन में चेंजिंग होती रहती हैं वो वेदर कहलाती हैं। जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है वो सीज़न, उसे हम क्या कहते हैं? सीज़न कहते हैं। देयर आर अ 4 सीज़न इन अ ईयर, एक साल में कितने सीज़न होते हैं? 4 होते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। द वेदर रिमेन मोर और द लेस सेम ड्यूरिंग वन सीज़न। अब वन सीज़न में क्या होता है? कभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी सर्दी होती है, ये चेंजिंग होती रहती हैं। स्प्रिंग, अब स्प्रिंग क्या है? फर्स्ट सीज़न क्या है? स्प्रिंग है। स्प्रिंग इज़ द सीज़न आफ्टर विंटर, जो विंटर के बाद आता है वो स्प्रिंग सीज़न होता है। एंड बिफोर समर, और समर से पहले आता है, मीन्स ये गर्मियों से पहले आता है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल टाइम, ये बहुत खूबसूरत टाइम होता है ऑफ द ईयर, साल का, व्हेन फ्लावर्स ब्लूम एंड न्यू लीव्स अपीयर ऑन प्लांट्स। उस वक्त क्या होता है? फूल जो होते हैं वो निकलते हैं और लीव्स जो होते हैं अपीयर होते हैं, जाहिर होते हैं ऑन प्लांट्स पर। द वेदर इज़ कूल एंड प्लेजेंट, उस वक्त वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार होता है। लुक एट दिस पिक्चर्स, यू कैन सी ग्रीन ग्रास, ग्रीन ट्रीज, प्लेजेंट वेदर। ये क्या है? ये हमें स्प्रिंग की पिक्चर दी गई है कि हर तरफ ग्रीन ग्रास है, ट्रीज़ के जो लीव हैं वो भी ग्रीन हैं, और वेदर जो है वो भी बहुत ज़्यादा खुशगवार है। स्टूडेंट, आपने केयरफुली इसकी रीडिंग करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।